हाय दोस्तों, फरिंस किचन में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं ब्रेड कस्टर्ड। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चलिए बनाते हैं एकदम आसान तरीके से ब्रेड कस्टर्ड। ब्रेड कस्टर्ड बनाने के लिए हम सबसे पहले लेंगे दूध। आधा लीटर दूध लिया है मैंने, फुल क्रीम वाला, गर्म करने के लिए रख दिया है। इसमें एक हम अच्छा सा उबाल आने देंगे। आ गया दूध में उबाल, चम्मच चला लेंगे इसमें हम। चम्मच चलाने के बाद हम इसमें डालेंगे केसर। केसर को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। केसर डालने से फ्लेवर और कलर अच्छे से आ जाएगा कस्टर्ड में। कर लिया हमने मिक्स अच्छे से। अब डालेंगे इसमें हम शक्कर। शक्कर आपको जितना मीठा चाहिए उस हिसाब से डालिए। मैं मिल्क मेड भी डालने वाली हूँ इसलिए मैंने शक्कर कम डाली है। आप मिल्क मेड नहीं डालना चाहते हो तो सिर्फ शक्कर डालिए। अच्छे से घोल लेंगे शक्कर को दूध के साथ। घुल गई शक्कर अच्छे से। अब डालेंगे इसमें हम मिल्क मेड। आपको मिल्क मेड नहीं डालना है तो शक्कर की क्वांटिटी आप बढ़ा दीजिए। सारा मिल्क मेड इसमें डाल देंगे हम और अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसे भी। कर लिया अच्छे से मिक्स। अब डालेंगे इसमें हम कस्टर्ड पाउडर। ये मैंने वेनिला फ्लेवर की कस्टर्ड पाउडर ली है दूध में घोल के। इसे हम धीरे धीरे डालेंगे एक हाथ से और एक हाथ से दूध में हम चम्मच चलाते जाएंगे ताकि कस्टर्ड की गाँठे ना पड़े। आपको जो फ्लेवर पसंद है कस्टर्ड पाउडर का आप वो भी ले सकते हो, मैंने वेनिला लिया है। हमें चम्मच चलाते रहना है दूध में कस्टर्ड पाउडर की गाँठे ना पड़े इसलिए। देखिए अच्छे से पक गया कस्टर्ड पाउडर दूध में। इतना गाढ़ा चाहिए हमें क्योंकि ठंडा होके ये और गाढ़ा हो जाएगा। अब बंद कर देंगे हम गैस को और इसे रख देंगे हम साइड में ठंडा होने के लिए। अब बनाएंगे हम जो ब्रेड में स्टफिंग भरने वाले हैं वो। एक पैन ले लिया है, गैस ऑन कर लिया है। इसमें डालेंगे हम एक टेबलस्पून देसी घी। घी को अच्छे से गर्म होने देंगे। घी गर्म होने के बाद इसमें हम डालेंगे मावा। आप मावा के बदले इंस्टेंट मावा भी बना सकते हो मिल्क पाउडर से। बस आपको उसमें शक्कर डालेंगे। मैं इसमें शक्कर नहीं डाल रही हूँ क्योंकि मैंने कस्टर्ड में ऑलरेडी मीठा कर लिया है। मावा घुलने तक हम इसमें पकाएंगे। घुल गया मावा अच्छे से। अब डालेंगे इसमें हम मिक्स ड्राई फ्रूट्स पाउडर। काजू बादाम और पिस्ते का पाउडर है ये, डाल दिया मैंने। और मिक्स कर लेंगे हम मावे के साथ अच्छे से। अगर आपको ये मीठा चाहिए तो इसमें आप थोड़ी शक्कर डाल सकते हो। कर लिया हमने सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स। गैस को बंद कर देंगे और इसे भी रख देंगे हम साइड में ठंडा होने के लिए। ये ले लिए मैंने ब्रेड के स्लाइस। इसके हमें साइड्स कट करके लेने हैं। सारे ब्रेड के साइड्स हमें कट करके लेने हैं। चारों ओर से हमें साइड्स कट करने हैं और सिर्फ इसका बीच का हिस्सा लेना है। कर लिया हमने सारे ब्रेड के साइड्स को कट। साइड का हिस्सा फेंक देंगे, ये ब्रेड हम यूज कर लेंगे। दो ब्रेड के स्लाइस लिए मैंने। एक ब्रेड के ऊपर जो हमने मावे की स्टफिंग बनाई है वो लगा देंगे इस तरह से फैला के चारों ओर अच्छे से। थोड़ा सा प्रेस कर लेंगे चम्मच से और दूसरी ब्रेड की स्लाइस हम इसके ऊपर रख के प्रेस कर लेंगे। ये दोनों एक दूसरे से अच्छे से चिपकने चाहिए। अब इसे कट कर लेंगे हम सैंडविच शेप में। आपको जिस शेप में चाहिए आप उस शेप में कट कर सकते हो, छोटे बड़े पीसेस। मैंने इस तरह से सैंडविच पीसेस में कट कर लिया है इसे।
इसी तरह से हमने सारे ब्रेड रेडी कर लिए हैं। अब करेंगे इसे हम कस्टर्ड के साथ असेंबल। एक स्क्वायर शेप का मैंने कांच का बर्तन ले लिया है, आप कोई भी प्लेट या बाउल भी ले सकते हो। एक एक ब्रेड सैंडविच हम इसमें इस तरह से रख देंगे। थोड़ी दूरी पे हमें रखना है, गैप छोड़ना है बीच में। और डालेंगे इसमें हम ठंडा किया हुआ दूध गर्म करके। दूध डालना बहुत ज़रूरी है, ब्रेड सॉफ्ट हो जाएंगे। जो हम कस्टर्ड का घोल डालेंगे वो अच्छे से ऑब्जर्व कर लेंगे, इसलिए दूध डालना ज़रूरी है इसके ऊपर। डाल दिया हमने दूध, अब डालेंगे हमने जो कस्टर्ड का घोल बना है वो। सारे ब्रेड पे साइड से अच्छे से हमें घोल डालना है, ये चारों तरफ से। डाल दिया हमने कस्टर्ड का घोल, अब डालेंगे हम मिक्स ड्राई फ्रूट्स पाउडर। मैं गार्निशिंग के लिए डाल रही हूँ, आप अपने हिसाब से गार्निश करिए या ऐसे ही प्लेन खा सकते हो। डाल दिया हमने ड्राई फ्रूट्स पाउडर, अब डालेंगे इस पे हम चेरी। एक चेरी में से मैंने चार पीसेस कर लिए हैं और इस तरह से हम चेरी को भी गार्निश कर लेंगे। ये हो गया हमारा ब्रेड कस्टर्ड रेडी। अब इसे रख देंगे हम फ्रिज में 2 घंटे के लिए ठंडा होने के लिए। 2 घंटे के बाद मैंने फ्रिज से निकाल लिया है। देखिए कितने अच्छे से कस्टर्ड को ब्रेड ने अब्सॉर्ब कर लिया है, फूल भी गए ब्रेड। ब्रेड कस्टर्ड खाने के लिए हमारा रेडी है। एक एक पीस हम इस तरह से निकाल के सर्व कर लेंगे। देखिए कितने अच्छे से पीस निकला है, कर लिया हमने सर्व। आपको मेरी ब्रेड कस्टर्ड की रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और ऐसे अच्छी अच्छी वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिए। थैंक यू।